हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर थर्ड यानी बस की यात्रा उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी थी जो कि हंसी मजाक के लिए थी। उसमें लेखक बस की यात्रा करता है तब उसे कैसा लगता है उसके बारे में पढ़ा था हमने उस चैप्टर में। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? यानी लेखक के मन में श्रद्धा क्यों जाग गई? आंसर है हमारा, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। यानी लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार, यानी जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार था, टायर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, फिर भी उसने उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह बस चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था, यानी वो जिस अवस्था में थी, टूटी फूटी अवस्था में थी, जर्जर अवस्था में थी, फिर भी उसकी काफी तारीफ कर रहा था। कौन कर रहा था? बस कंपनी के हिस्सेदार साहब कर रहे थे कि हमारी जो बस है, जो कि बहुत अच्छी है, यानी फर्स्ट क्लास है, ये बहुत अच्छे से चलती है, इसमें बहुत अच्छी सी सीट है, और अपनी बस की काफी तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्मा बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गए और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। किसके प्रति? उस कंपनी के, बस के कंपनी के हिस्सेदार साहब के प्रति। यानी बस की इतनी बुरी हालत खराब थी, फिर भी वह उसकी तारीफ कर रहा था, मानो उसके साहस और बलिदान की भावना के हिसाब से उसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी उसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए जिस तरह से वह उसकी तारीफ कर रहा था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। यानी लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है, बस का कोई भरोसा नहीं है, यह कब और कहां रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है, रात रास्ते में कहीं बितानी पड़ जाए, कुछ पता नहीं रहता। उसके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। डाकिन का अर्थ होता है डाका डालने वाली। यानी लोगों ने लेखक को यह सलाह दी थी, यानी लोगों को तो पता था, उस यदि कोई समझदार इंसान था, उनको तो पता था भी इस बस की क्या हालत है, फिर भी कई लोग थे जो नए समझदार होते हुए भी उस बस में यात्रा करते थे। उस बस का कोई पता नहीं था कब वह धोखा दे सकती है, बस कभी और कहीं भी धोखा दे सकती है, रास्ते में चलते हुए यह कहना मुश्किल था।
थर्ड नंबर क्वेश्चन, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ था, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री भी हिल रहे थे। ऐसे में लेखक उसके मित्रों को लगा कि यानी जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर ही बैठे हुए हैं। यह किसको लग रहा था? लेखक को लग रहा था। फोर नंबर क्वेश्चन है हमारा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? आंसर है हमारा, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी नहीं तो अपने आप चलेगी। यानी उस बस की अवस्था ऐसी हो चुकी थी, इतनी खराब अवस्था में थी, फिर भी वह हिस्सेदार था, जो बस का कंपनी हिस्सेदार, वो फिर भी उसकी तारीफ किए जा रहा था। जब लेखक उससे ऐसे पूछते हैं कि क्या ये बस चलेगी, तब वह हिस्सेदार उसे आंसर देता है कि यह बस तो चलेगी ही, नहीं तो अपने आप चलेगी। उसकी इस तरह से अवस्था थी, तब उन्होंने कहा कि अपने आप, यह लेखक की हैरानी का कारण था। क्या था? यह हैरानी का कारण था कि ये बस अपने आप कैसे चल सकती है। फाइव नंबर क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। यानी लेखक को यही इसलिए लग रहा था क्योंकि हर पेड़ इसीलिए दुश्मन लग रहा था क्योंकि जब जैसे जैसे बस चल रही थी, कहीं ब्रेक लग रहे थे, तो मानो उसके मन में भयभीत मन स्थिति में सोच रहा था कि डर लग रहा था लेखक को कि उसकी बस कहीं किसी पेड़ से न टकरा जाए। इसीलिए उसको जो भी पेड़ थे आते हुए दिखाई दे रहे थे, वो पेड़ उसे अपना दुश्मन लग रहे थे। यानी हर पेड़ उसे अपना दुश्मन लग रहा था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजों सरकार से असहयोग करने पर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। यानी गरीब जब रोटी खाकर अपना पेट भर लेते थे, ऐसे में अंग्रेजी शासकों ने नमक पर भी टैक्स लगा रखा था। इसीलिए गांधी जी उस समय बहुत दुखी हुए। उन्होंने क्या किया था? गुजरात के साबरमती आश्रम में 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके समुद्र किनारे बसे दांडी गांव में नमक बनाकर कानून भंग किया था। इसे दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नामों से भी पुकारा जाता है। सेवन नंबर क्वेश्चन है हमारा,
स्वीन्य वज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? लिखिए, आंसर है स्वीन्य वज्ञा आंदोलन 1930 में से सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने स्वीन्य वज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। भाषा की बात क्वेश्चन नंबर वन, बस वंश, बस तीन शब्द है। इसमें बस सवारी के अर्थ में, वंश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, वैसे मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान वस और वंश, बस शब्द के दो दो वाक्य बनाइए। आंसर है वंश, वश। यानी आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं है। बस भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। बस बस करो, कितना खाओगे, बस बस करो, इतना काफी है। यानी दो दो वाक्य बनाने थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताने के लिए घंटों भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने की से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। यानी ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का उपयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के चार वाक्यों को चुनिए। आंसर है हमारा, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इसमें कारक चिन्ह है कि, कौन सा है? कि जो इस वाक्य को निमित करता है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। इसमें से वाक्य निर्मित किया गया है। यह बस पूजा के योग्य थी। यानी पूजा के योग्य थी, ये कारक संबंधित है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, तो इसमें भी के। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतिविधियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्रित कीजिए जो गति के लिए उपयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे टहलना, दादाजी को टहलना बहुत अच्छा लगता है। चलना, चलना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रातःकाल टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। चलना, स्कूल का समय हो गया है, आओ स्कूल चलें। इसे भी इस वाक्य में जोड़ सकते हैं हम। दौड़ना भी लिख सकते हैं, मुझे तेज दौड़ना अच्छा लगता है। जाना यानी सुषमा घर से जा रही है। ये दो दो वाक्य बना सकते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है हमारा, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उसमें हमें बचना था। इस वाक्य में बचे शब्द को दो अर्थ से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल और हार, यानी जल, मीना गर्म जल से बुरी तरह से जल गई। यानी इसमें जल, यानी एक वाक्य में दो बार एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जल और जल गई। ठीक है। हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में इसकी जीत
होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, जिसकी हार होगी वह उस प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। यानी एक शब्द का दो बार उपयोग किया गया है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस वर्ष जल की एक भी बूंद न गिरने से धरती जल रही है, अगर वह दौड़ में हार जाता तो पुरस्कार में उसे मोतियों का हार पहनाया जाता है। यानी हार हार शब्द इसमें दो बार आया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द फर्स्ट और क्लास, यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है, यानी उस व्यक्ति की महानता बताई गई है, तो यह क्या है, गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के आपको दो दो उदाहरण खोजकर इस बुक में से लिखने हैं। संख्यावाचक विशेषण जैसे 4, 8, 10, 5, 8, 10, 15, 20 आदि, ये तो क्या होते हैं, संख्यावाचक। गुणवाचक क्या होते हैं, विशेषण जैसे चांदनी रात, समझदार आदमी, अनुभवी, दयनीय, बलवान, वृद्धावस्था आदि, ये सारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे और इनको अपनी नोटबुक में उतार लेना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।